फ्रेंड्स आज हम यहाँ देखने वाले सिद्ध सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो फ्रेंड्स फुल डिटेल्स में इसको हम यहाँ पे देखेंगे, यानी हमारे सिद्ध सिस्टम्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स पहले हम इसको देखेंगे, साथ ही फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ सिद्ध सिस्टम्स, यानी हमारे जो प्रिंसिपल्स होता है जिससे बेस्ड होता है हमारा सिद्ध सिस्टम्स। साथ ही फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल्स रहेगा। देन लास्ट फ्रेंड्स हम देखेंगे किस तरह से हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं और साथ में किस तरह से हम फ्रेंड्स ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे सिद्ध सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। तो सभी को फ्रेंड्स पॉइंट टू पॉइंट हम वारी वार से यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो आपका यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, ये आपका चल रहा है फार्माकोग्नोसी का डी फार्मा फर्स्ट ईयर। तो इसमें जैसे कि हमारा चैप्टर 11 यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आयुर्वेद और साथ में यूनानी। तो फ्रेंड्स ये दो वीडियो लेक्चर्स इस चैप्टर के हमने पहले यहाँ पे कवर किए हुए, तो इनकी लिंक फ्रेंड्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही में आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी इसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। वैसे तो गाइज हम रोज ही एक वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, देन आज हमने कोई भी वीडियो लेक्चर्स चैनल पर अपलोड नहीं किया है। तो भाई इसका रीज़न यहाँ पे क्या चल रहा है, भाई रमज़ान का क्या चल रहा है महीना फ्रेंड्स यहाँ पे चल रहा है, तो दिन भर तो रोज़ा रहता है और रात को इतनी रोज़ मतलब हिम्मत नहीं होती कि वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर सके। देन फ्रेंड्स अब आपके एग्जाम डेट वगैरह भी आ रही है, तो भाई क्या है हम यहाँ पे कोशिश करेंगे जल्दी आपकी फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल्स को जल्दी आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट करने की। देन चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सिद्ध सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, यानी हमारे सिस्टम फ्रेंड्स क्या होता है। तो भाई अगर हम देखें तो इंडिया की हिस्ट्री में जो सबसे पुराना सिस्टम हमारा है वो सिद्ध सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन ही यहाँ पे रहेगा। यानी एक तो फ्रेंड्स आयुर्वेदिक सिस्टम हमारा वैसे काफ़ी साल पुराना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पुराना है, यानी इंडिया के अंदर जो सबसे पुराना सिस्टम माना जाता है वो यहाँ पे सिद्ध सिस्टम ही माना जाता है। क्योंकि आयुर्वेदिक सिस्टम आने से पहले फ्रेंड्स बहुत ही टाइम पहले से ये था यहाँ पे, जैसे अगर देखें हम तो 6000 साल और साथ ही में 7000, तो 6 से 7000 साल पहले ये सिस्टम यहाँ पर बना दिया गया था जो सिद्ध लोग थे फ्रेंड्स उनके थ्रू। अब इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मूवी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स पीछे मूवी आई थी मोहन जोदड़ो, तो फ्रेंड्स वो ऋतिक रोशन की मूवी आई थिंक 2 से 3 साल पहले वो आई थी। तो उसके अंदर क्या था फ्रेंड्स मोहन जोदड़ो का पूरा ही वहाँ पे एक तरह से इतिहास वहाँ पे बताया गया, यानी वो लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से वो इस सिस्टम का यूज़ करते थे, किस तरह से फ्रेंड्स वो ट्रीटमेंट करते थे किसी भी डिसीज़ का, या किस तरह से कुछ शक्तियाँ उनके पास एक तरह से आप कह सकते हैं। उस मूवी आप देखना फ्रेंड्स आपको पूरा ही वहाँ पर समझ आ जाएगा, यानी क्या वेद थे उनके। तो ये जो सिस्टम है फ्रेंड्स काफ़ी ओल्ड यहाँ पे सिस्टम्स रहेगा। अब चलिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। दिस सिस्टम्स वर डेवलप्ड इन प्री आयुर्वेदिक पीरियड, यानी एक तो आयुर्वेदिक सिस्टम था ये, उससे भी पहला आया था, यानी प्री आयुर्वेदिक पीरियड के अंदर ही यहाँ पे आ गया था। विथ सिविलाइजेशन ऑफ मोहन जोदड़ो, यानी फ्रेंड्स जो मोहन जोदड़ो की यहाँ पे सिविलाइजेशन थी उसके अकॉर्डिंग सिस्टम्स को यहाँ पे बनाया गया था, यानी लाया गया था। एंड हड़प्पा इन इंडस रिवर वैली 6000 से 7000 साल एगो। तो फ्रेंड्स क्या है भाई मोहन जोदड़ो के जो यहाँ पे क्या थे सिविलाइजेशन थी उसके थ्रू 6000 से 7000 साल पहले इस सिस्टम्स को यहाँ पे डेवलपमेंट्स किया गया था। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट वाज ट्रांसप्लांटेड इन साउथर्न इंडिया बाई ड्रेविडियन पीपल्स अबाउट 2500 ईयर्स एगो। यानी फ्रेंड्स जो इंडिया के साउथर्न लोग हैं उनके थ्रू, यानी यहाँ पे ड्रेविडियन क्या है एक सभ्यता है उसके थ्रू क्या आता है यहाँ पे 25 यानी 2500 साल पहले इसको यहाँ पे बनाया गया था। तो ये नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सिद्धार्थ क्लासीफाइड डिसीज इन डिफरेंट कैटेगरीज इन अकाउंटेड फॉर द टोटल 4448 डिसीज इन ह्यूमन बॉडी। अगर फ्रेंड्स हम सिद्धा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो एक ह्यूमन बींग्स यानी जो एक इंसान होता है उसके अंदर 4448 यानी 4004 चीज़ एक ह्यूमन बींग से अंदर होती है। आप फ्रेंड्स अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी आपकी एक बॉडी के अंदर इतनी सारी बॉडी के अंदर आपकी 4448 हो सकती है। किसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम ये कह रहे हैं, ओनली सिद्धा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हम इसको कह रहे हैं। अब फ्रेंड्स एक और जो मेन पॉइंट आपके लिए रहेगा, ये तो सिद्धा सिस्टम था यानी जो सिद्ध लोग थे जिन्होंने फ्रेंड्स इस सिस्टम को यहाँ पे डेवलपमेंट्स किया था। तो वैसे तो सारे सिस्टम जितने हमारी मेडिसिन होती भाई आयुर्वेदिक हमारी हो गई, साथ ही में यूनानी हमारी हो गई, या हमारी एलोपैथिकल हो गई, यहाँ पे इंग्लिश दवाइयाँ होगी, तो सभी का एक पर्पज़ क्या होता है, पैसे कमाना एक तरह से। भाई ट्रीटमेंट तो कर ही रहे, साथ ही में क्या करते हैं सब लोग उससे पैसे कमाते हैं। देन यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका सिद्धा सिस्टम था तो इसका ऐसा कोई पर्पज़ यहाँ पर नहीं था। यहाँ के फ्रेंड्स जो ऋषि मुनि एक तरह से आपके जो सिद्ध लोग होते थे उनका यहाँ पर सच्चाई के आधार पर कुछ चलते थे, तो उनका क्या होता था एक तरह से लोगों की भलाई करना, एक तरह से ट्रीटमेंट करना, यही उनका एम वहाँ पर होता था, कोई पैसे कमाने वहाँ पर नहीं होते थे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सिद्ध सिस्टम, यानी फ्रेंड्स क्या प्रिंसिपल है यहाँ पे सिद्ध सिस्टम्स का, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सिमिलर टू आयुर्वेद, अब भाई ये पॉइंट्स यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो आयुर्वेदिक सिस्टम फ्रेंड्स पहले हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो सिमिलर उसी की तरह ये होता है, साथ ही में उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको सिद्ध सिस्टम्स और आयुर्वेदा सिस्टम लगभग आपको बिल्कुल सिमिलर सा यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स पॉइंट टू पॉइंट इसको पूरे को यहाँ पे हम समझ लेते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस सिद्ध सिस्टम्स द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ टू
इंटिटीज मैटर्स एंड एनर्जी। अगर हम यहाँ पे सिद्धा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग देखें तो जितना फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिवर्स यानी दुनिया यहाँ पे बनी हुई है, ओनली टू ही मैटर्स यहाँ पे बनी हुई है। एक तो आपका मैटर हो गया, साथ ही में आपकी एनर्जी हो गई। यानी आपका कोई मैटर है उसमें अगर एनर्जी नहीं है तो फ्रेंड्स वो वहाँ पे नहीं रह सकता, साथ ही में कोई एनर्जी है उसमें मैटर नहीं है तो वो भी वहाँ पे नहीं रह सकता। तो मैटर तो आप देख सकते हैं, कोई मान लीजिए कोई भी, चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए कोई भी इंसान है तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है तो भाई किस तरह से लिविंग रहेगा। तो एक तरह से अगर हम देखें तो दोनों की एक साथ इसकी स्टडी की जाती है, यानी इनको अलग नहीं किया जा सकता सिद्धांत सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं द सिद्धांत कॉल देम शिवा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो सिद्धा होते हैं यहाँ पे एक तरह से शिवा के थ्रू भी सिस्टम्स को मतलब कहते हैं, जो मेल थे, साथ ही में शक्ति यानी फीमेल। एक तरह से देखें तो शिवा यानी सिद्ध और साथ ही में जो शक्ति यानी एक तरह से जो सिद्ध लोग होते हैं यानी शिवा की शक्ति के अकॉर्डिंग क्या एक तरह से इस सिस्टम को कहते हैं कि भाई उनकी शक्ति के अकॉर्डिंग क्या करते थे, लोगों का ट्रीटमेंट एक तरह से करते थे। तो ये भी फ्रेंड्स इसके अंदर में आता है, यानी वो क्या थे, इसके क्रिएशंस थे जिन्होंने इसको बनाया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैटर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनर्जी इन बुल्ट इन इट वाइस वर्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है भाई, मैटर जो है कैन नॉट मतलब जो इसमें मैटर है उसको कंसिस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट एनर्जी के, और विदाउट एनर्जी के किसी भी मैटर को कंसिस्ट नहीं किया जा सकता। ये किसके अकॉर्डिंग आता था, यहाँ पे सिद्धा जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग इसको माना जाता था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द टू कोएग्जिस्ट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब भाई इनको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, यानी मैटर को हमने अलग कर दिया और हमने जो हमारा क्या एनर्जी उसको अलग कर दिया, यानी एक तरह से दोनों ही आपस में मिलकर वर्क यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं देयर आर फाइव प्रिमेटिव एलिमेंट्स भूतास। तो फ्रेंड जैसे कि हमने पीछे आयुर्वेदिक सिस्टम में भी हमने पढ़ा था, यानी वहाँ पे हमारे पंचभूतास के जिसके ऊपर पूरी ह्यूमन बॉडी बेस्ड थी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये फाइव एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे भूतास कहते हैं। जैसे मून होता है जिसको सॉलिड हम कहते हैं, फ्लूड होता है जिसको नीर हम कहते हैं, थी होता है जिसको रेडियंस हम कहते हैं, वायु जिसको फ्रेंड्स गैस कहते हैं, हम आकाशम जिसको ईथर कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स आगे हम इसको फुल डिटेल्स में चलिए देखने वाले हैं यहाँ पे। यानी दीज फाइव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट्स इन एवरी सब्सटेंस, यानी फ्रेंड्स ये जो फाइव एलिमेंट्स होते हैं ये हर एक सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। अब वहाँ पे क्या हो सकता है, बट इन डिफरेंट अमाउंट, यानी फ्रेंड्स क्या होता है प्रोपोर्शंस, यानी क्या हो सकता है थोड़े किसी में कम हो सकते हैं किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं देर आर थ्री सब्सटेंसेज विच फैसिलेट द बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। यानी हमारे जो फ्रेंड्स ये थ्री सब्सटेंसेज होते हैं इनके ऊपर क्या होता है हमारे फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं बॉडी को डिपेंड होते हैं। यानी एक तरह से ये क्या करते हैं फैसिलेट करते हैं हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। अभी कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, फर्स्ट हमारा होता है विथाम, सेकेंड हमारा होता है पिथाम और थर्ड हमारा होता है करपाम। तो फ्रेंड्स फुल डिटेल्स में इसको हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइडोसाज अकॉर्डिंग टू सिद्धा मेडिसिन। तो सिद्धा मेडिसिन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं हमारे थ्री डोसाज ये होते हैं जिसको हम यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में फ्रेंड्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल द बॉडी फंक्शंस फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल, यानी हमारी बॉडी के जितने भी इमोशनल फंक्शंस होते हैं, फिजिकल फंक्शंस होते हैं, साथ ही में इमोशनल फंक्शंस होते हैं, वो सभी किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं ट्राइडोसाज यानी इन थ्री सब्सटेंस के अकॉर्डिंग जो होते हैं कंट्रोल किए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब चलिए फ्रेंड्स पॉइंट टू पॉइंट इनको डिटेल्स में हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा हो जाता है वातम, अब चलिए इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ ड्राई लाइट कोल्ड एंड मेटल। तो फ्रेंड्स क्या होता है एक तरह से अगर हम देखें तो क्या होता है ड्राई भी होता है लाइट भी होता है साथ ही में कोल्ड भी होता है मोटिल भी हमारा होता है। अब चलिए इसको आगे आप फुल डिटेल्स में देखेंगे किस तरह से होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाई आकाशम एंड वायु, यानी किसकी फॉर्म में होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये आकाशम और साथ में वायु के अंदर ही हमारी बॉडी में होता है। अभी किस चीज़ को फ्रेंड्स यहाँ पे कंट्रोल करता है, तो हमारी बॉडी में जो नर्वस यहाँ पे एक्शंस होते हैं हमारा नर्वस सिस्टम्स होता है उसके एक्शन को यहाँ पे कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है उसको यहाँ पे कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करता है और साथ ही में सेंसेशन। तो फ्रेंड्स सभी को क्या करता है कंट्रोल हमारा करता है वातम हमारी बॉडी के अंदर। हम देख लेते हैं इट प्रीडोमिनेट्स इन द बोन्स, यानी फ्रेंड्स हमारी जो बॉडी की बोन्स होती है उसको प्रीडोमिनेट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इट डोमिनेट्स इन फर्स्ट वन थर्ड फेस ऑफ लाइफ व्हेन एक्टिविटीज़, यानी फ्रेंड्स हमारी जो बॉडी जब एक्टिविटीज़ करती है तो उसकी क्या होता है फर्स्ट वन थर्ड जो पार्ट होता है वो यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे वातम कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ हो गई, शार्पनेस हो गई, या बॉडी के फंक्शंस वगैरह होते हैं सेंसर या ग्रेटर, तो फ्रेंड्स सभी क्या करता है एक तरह से डोमिनेट्स करने का वर्क करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे पिथम। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आगे के पॉइंट थोड़े इजी आपके रहेंगे, आप इजीली इनको कर लें। जैसे पिथम जो होता है क्या करता है यहाँ पे इंडिकेट्स करता है हीट को, यानी हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो किसके थ्रू यहाँ पे इंडिकेट की जाती है पिथम के अंदर। इट इज़ फॉर्म्ड बाई थी, तो फ्रेंड्स थी की फॉर्म में क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट्स होता है जिसे पीछे हमने आपको बताया था।
इट कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी, यदि हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है सभी को कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे पिथम कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारी क्या होगी, हमारी डाइजेशन होगी भाई, खाना वाना पचने की प्रोसेस होती है, साथ ही में एसिमिलेशन हो गई फ्रेंड्स एक्सेट्रा, बहुत ही सारी होती है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो उनको सबको कौन कंट्रोल यहाँ पे करता है, हमारा पिथम ही यहाँ पे करता है। देख लेते हैं, इट डोमिनेट्स इन द सेकेंड वन थर्ड फेज ऑफ लाइफ, यानी फ्रेंड्स पीछे हमने जो पढ़ा था वन थर्ड पार्ट था, यहाँ पे सेकेंड वन थर्ड पार्ट जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे पिथम ही कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। में आप देख लेते हैं कर्पम, तो फर्स्ट पॉइंट हम इसका देख लेते हैं, इट इज स्मूथ फर्म विस्किड एंड हैवी, यानी फ्रेंड्स क्या होता है भाई, स्मूथ होता है, फिल्म होता है, विस्किड होता है और हैवी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय मून एंड नियर, यानी फ्रेंड्स में नियर यानी लिक्विड की फॉर्म में ये होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट कंट्रोल द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की जितनी भी स्टेबिलिटी होती है फ्रेंड्स सभी को ये कंट्रोल करता है। जैसे हमारी क्या हो गई यहाँ पे स्ट्रेंथ हो, यानी स्ट्रेंथ फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे स्ट्रेंथ रहेगा, और पोटेंसी हो गई, स्मूथनेस हो गई, वर्किंग ऑफ जॉइंट्स। तो फ्रेंड्स सभी को कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे हमारा कर्पाम ही कंट्रोल करता है। अब चलिए लास्ट पॉइंट हम इसका देख लेते हैं, इट डोमिनेट इन द लास्ट वन थर्ड फेस ऑफ लाइफ, यानी फ्रेंड्स जो फर्स्ट हमारा था वो हमारी बॉडी का वन थर्ड पार्ट कंट्रोल कर रहा था, जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है। हमारा जो फ्रेंड सेकेंड था वह सेकेंड थर्ड पार्ट यहाँ कंट्रोल कर रहा था हमारी बॉडी का, देन हमारी जो लास्ट है हमारी जो वन थर्ड फेस है यहाँ पे, यानी बॉडी के जो लास्ट की यहाँ पे फेस होती है वन थर्ड पार्ट होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे हमारा ये कर्पाम ही कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरे प्रिंसिपल्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। देन चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं, गिवन बिलो आर सेवन धुतास, यानी फ्रेंड्स ये सेवन धुतास वो होते हैं जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई होती है अकॉर्डिंग टू सिद्धा सिस्टम्स। जैसे फर्स्ट हमारा होता है यहाँ पर रासा, जिसको लिम्फ हम कहते हैं, हमारी बॉडी में लिम्फ ग्लैंड्स होती है। क्रोधी जैसे फ्रेंड्स हमारी बॉडी में ब्लड होता है, और तसाई जिसे मसल्स हमारी बहुत ही, जैसे हमारा ये हैंड है तो सब क्या है स्किन के अंदर फ्रेंड्स सब हमारी मसल्स ही हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोजुपू, तो फ्रेंड्स इसका मीन्स होता है एडिपोज टिश्यू, यानी बॉडी जो एडिपोज टिश्यू होते हैं। एंड मज्जा जिसका मीन्स होता है यहाँ पे मैरो, यानी जो बोन मैरो होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शुकिलाम एंड आल्टा वाम, तो फ्रेंड्स इसका मीन्स यहाँ होता है मेल और फीमेल्स के जो यहाँ पे सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं वो इसका मीन्स होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलुम्बू, तो यानी बोन्स। अब भाई क्या है बोन जो है जितनी भी क्या है हमारे हैंड वगैरह सब बोन्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है, तो ये हमारी बॉडी इसके अंदर रहती है। मेल फीमेल हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बोन मैल होती है, एडिपोज टिश्यू होते हैं, मसल्स होती है, ब्लड होते हैं, और साथ ही में लिम्फ एक तरह से ग्लैंड्स होती है। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से प्रेजेंट्स होती है जिससे हमारी बॉडी मिलकर यहाँ पे बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्नोसिस, यानी हमारे जो सिद्धा सिस्टम्स होता है इसके अकॉर्डिंग कैसे हमें किसी भी डिसीज को किसी भी पेशेंट्स को हम डायग्नोसिस करते हैं। तो इसका जो फ्रेंड सिस्टम होता है और सिस्टम से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है, चलिए देख लेते हैं। द फिजिशियंस डायग्नोस ए पेशेंट्स, यानी जो फिजिशियंस होते हैं सिद्धा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो डायग्नोस करते हैं एक पेशेंट्स को बाई एट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस। तो फ्रेंड्स क्या होता है एक टाइप की क्या होती है यहाँ पे एग्जामिनेशंस होते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं एग्जामिन करते हैं किसी भी पेशेंट्स को सिद्धा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। विच इन्वॉल्व और ऑब्जर्विंग द पेशेंट्स, जो फ्रेंड्स क्या होता है इन्वॉल्व करती है किसी भी पेशेंट्स के ऑब्जर्विंग करने में। जैसे फर्स्ट हमारी होती है टंग, तो क्या होता है क्या होता है जुबान को देखते हैं, क्या पीली जुबान पड़ रही किस तरह से हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग पता करते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या होता है स्पीच यहाँ पे देखते हैं, बोल के यानी बुला के उसको देखते हैं भाई किस तरह से उसके बोल चाल से पता लगा लेते हैं। आइस यानी आँखें देखते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं पॉल्पिटेशन हम देखते हैं, यूरिन हम देखते हैं यूरिन का टेस्ट वगैरह करा लेते हैं, स्टूल यदि फ्रेंड्स हम देख लेते हैं वेस्ट मटेरियल जो होता है, और लास्ट में पल्स यानी पल्स रेट के अकॉर्डिंग भी हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देन चलिए लास्ट में हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट, यानी सिद्धा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग किसी भी डिसीज का ट्रीटमेंट किस तरह से फ्रेंड्स किया जाता है इसको हम देख लेते हैं। तो अब सिद्धा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पूरा ही बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है किसी भी पेशेंट्स का। यानी फ्रेंड्स ये जो ड्रग्स होंगी इनका यूज़ हम किस लिए करेंगे, ओनली बैलेंस करने के लिए यहाँ पे करेंगे, यानी एक तरह से जो इम्बैलेंस हमारी बॉडी में हो गया डिसीज के थ्रू उसको बैलेंस करने के लिए करेंगे। ट्राइड डोसाज जैसे फ्रेंड्स पीछे हमने यहाँ पढ़े थे हमारा पिथाम था कर्पाम था, तो फ्रेंड्स ये सब क्या करेंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सिद्धा सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं मेडिसन्स का यूज़ करते हैं, जो किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं फाइव एलिमेंट्स से, यानी हमारे जो फाइव एलिमेंट्स होते हैं उससे मिलकर हमारे यहाँ पे ट्राइड डोसाज बने हुए होते हैं, पूरी हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं यहाँ पे बैलेंस हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ये बैलेंस हमारा हो जाएगा और हमारी बॉडी यहाँ पे सही हो जाएगी। तो इन्हीं फाइव एलिमेंट्स की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है हमारी बॉडी में डिसीज होती है अकॉर्डिंग टू सिद्धा सिस्टम्स यानी ट्राइड डोसाज के। अब चलिए नेक्स्ट हम इसे पॉइंट्स देख लेते हैं, तो ये फ्रेंड्स मोस्ट यानी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके लिए रहेगा, चलिए इसको एग्जांपल के बेस से समझते हैं।
आपने कभी सोचा है फ्रेंड, जो शादी वगैरह होती है, शादी ब्याह वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है, दुल्हन जो होती है उसको हमेशा सोने के ही क्या होते हैं, जितने भी आपके गहने वगैरह होते हैं वो क्यों पहनाए जाते हैं, यानी सोना इतना महंगा क्यों होता है, तो इसका रीज़न फ्रेंड्स कभी आपने जानने की कोशिश की? चलिए हम आपको बताते हैं कि कल्चर के बेस से समझ लीजिए भाई, आप मुस्लिम कल्चर ले लीजिए, हिंदू कल्चर आप ले लीजिए, ईसाई कल्चर ले लीजिए, कोई भी कल्चर आप ले लीजिए, क्या होता है शादी ब्याह के मौके फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे यानी जो गोल्ड होता है, सोना होता है एक तरह से, वो चांदी होती है, उसी को मोस्टली यूज़ किया जाता है दुल्हन के लिए। तो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो जितनी भी सोना होता है, चांदी होती है, मरकरी होती है फ्रेंड्स, से क्या करती है आपकी बॉडी को एक तरह से डिसीज़ से प्रोटेक्ट करती है, यानी ऐसा नहीं है आपको डिसीज़ हो गए उसके बाद वहाँ प्रोटेक्ट करेगी, आपको सिम्टम्स हल्के बहुत आ रहे हैं एक तरह से, चलिए आपको हो गए तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। देन इसका यूज़ इसलिए किया जाता है जिससे पहले अगर आपने पहन रखा है तो आपकी बॉडी में जो डिसीज़ है वहीं की वहीं यहाँ पर एक तरह डिसीज़ रुक जाए, वो वहाँ पर पनपे ना आपकी बॉडी के अंदर। तो इस वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, सिद्धा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इसको बहुत ही टाइप से चलाया जा रहा है, यानी सबसे ओल्ड सिस्टम है हमारे इंडिया का, यानी बहुत ही भाई 6 से 7 हज़ार साल पहला है, तो उन्हीं लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स आज भी हमारा यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, गोल्ड का यूज़ किया जाता है, मरकरी का यूज़ किया जाता है, सिल्वर जैसे चांदी वगैरह होती है उसका यूज़ किया जाता है, सल्फर का यूज़ किया जाता है, जिंक का यूज़ किया जाता है, कॉपर होती है, मिका होता है, एटसेट्रा फ्रेंड्स। कहाँ पर सीन किया जाता है, ओनली सिद्धा सिस्टम्स ऑफ मेडिसन्स, यानी सिद्धा सिस्टम्स ऑफ मेडिसन्स जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग या तो हम बैलेंस करेंगे हमारी ट्राइडोसास को, 5 एलिमेंट्स को, साथ ही में हम क्या करेंगे गोल्ड का, मरकरी वगैरह इन सभी एलिमेंट्स का हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट करने में, तो सिद्धा सिस्टम्स। अब ऐसा नहीं है उसको हम ये खिलाते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं उसको भी पिन्हा वगैरह देते हैं, जैसे पीछे पहले आपको बताया इन लोगों का एम जो था फ्रेंड्स यहाँ पे ओनली डिसीज़ को सही करना था, ना कि पैसे कमाना। अभी मान लीजिए किसी को डिसीज़ हो रही है, उससे आपने कह दिया भाई ठीक है चांदी या सोना लेके पहन लो, तो ऐसा नहीं है उसमें उनकी कमाई हो रही है किसी भी डॉक्टर्स की, जो सिद्धा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो मतलब ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या कर रहे हैं, ओनली हेल्प कर रहे हैं दूसरे पर्सनस की। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होता है, ट्रीटमेंट करते हैं हम सिद्धा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। तो गाइस आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा, इसके बाद भी फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।